कि एक दिन फांसी के फंदे पर झूलेंगे मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए, और वो दिन आएगा जब एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच नहीं करने की अकर्मण्यता दिखाएगी और फिर कानून का राज स्थापित होगा और कानून ये कहेगा कि ये फंडामेंटल राइट है एक्यूज का और हम ये फंडामेंटल राइट उन्हें देते हैं। सुखदेव ने इसीलिए बलिदान दिया था, राजगुरु ने इसीलिए बलिदान दिया था, जितिन दास ने 60 दिन तक उपवास इसीलिए किया था कि एक दिन प्रधानमंत्री निखिल कामत के प्रति अपना आभार प्रकट करे और निखिल कामत रिया चक्रवर्ती के साथ डेट करे और फिर निखिल कामत रिया चक्रवर्ती के सहारे अपनी ब्रांडिंग करे, अपना प्रमोशन करे। निखिल कामत को यह दिमाग में आए कि चलो रिया के बहाने ही सही, दुनिया मुझे जान तो रही है, पैसे से बात नहीं बनी है तो चलो कुछ और तरीका अपना लेते हैं। इसीलिए भगत सिंह ने बलिदान दिया और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली। इसीलिए सावरकर, जिसको आप अभी कहते हैं, जिनको दो जन्मों की सजा मिली, उस पर कभी और कोड़े खाए, कोल्हू की तरह बैल में पिसे, हजारों लाखों दीवाने इस देश के इन्हीं दिनों के लिए कि एक दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश का बेटा एक एक्यूज के फंडामेंटल राइट के लिए अपियर होगा, लेकिन कभी यह सवाल नहीं होगा कि जिसके लिए उनको एक्यूज बनाया गया है उसकी जांच की किताब कहां है, उसके रिपोर्ट्स कहां है। इसी दिन के लिए सुखदेव ने बलिदान दिया, इसी दिन के लिए बापू ने बलिदान दिया, इसी दिन के लिए पटेल ने बलिदान दिया और इसी दिन के लिए हमारे संविधान निर्माताओं में से एक ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इन्हीं दिनों के लिए कि एक दिन आएगा जब प्रधानमंत्री मौन हो जाएंगे, चीफ जस्टिस मौन हो जाएंगे, सीबीआई मौन हो जाएगी, केस को बंद कर दिया जाएगा, दूसरे दूसरे मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं आएंगी, बड़े बड़े मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं आएंगी, बंगाल में काम होगा, हम वारसा में होंगे, हम एक ट्रेन से जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये छोटे मुद्दे हैं, एक दो लोगों की मौत है, क्या है ये? हमें यूक्रेन और रशिया की बात करनी है, बिल्कुल करनी है। एक देश के जीवन काल में ये दो मौत क्या महत्व रखता है? देश जिस रास्ते पर जा रहा है, देश के लोगों को ये निर्णय करना पड़ेगा कि आप कैसे मानदंड बना रहे हैं, किस प्रकार का आइडल बना रहे हैं। निखिल कामत रिया चक्रवर्ती को मदद पहुंचा रही, रिया चक्रवर्ती आजकल पॉडकास्ट कर रही, सुना है कि निखिल कामत ने, जिनका मुंबई से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने एक बंगला खरीदा है बांद्रा के इलाके में, रिया चक्रवर्ती वहीं रहती है। रिया चक्रवर्ती पॉडकास्ट में सुष्मिता सेन को लेकर आती है, रिया चक्रवर्ती पॉडकास्ट में आमिर खान को भी लेकर आएंगी। रिया चक्रवर्ती अपनी जिंदगी के सफर पर है और बहुत सारे पत्रकार ये लिखने में लगे हुए हैं कैसी अबला लड़की है, इसको लोगों ने फंसा दिया, मीडिया ट्रायल करके फंसा दिया। ये आशुतोष पाठक कितना मूड है, कितना साहिल है, सच्चाई नहीं समझता है। मैं समझना चाहता हूं मित्रों, मैं सच्चाई समझना चाहता हूं, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं कि 8 जून को रिया क्यों छोड़ के गई, ये जांच सीबीआई करे। मैं ये जानना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती का आदित्य ठाकरे से रिश्ता क्या है, बस इतनी तो जानकारी चाहिए।
रिया चक्रवर्ती का महेश भट्ट से क्या रिश्ता है? ये कौन लोग हैं जो बायपोलर की थ्योरी बार 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 चलाते हैं? जिया खान का हश्र कर दिया जाएगा, दिशा सालियान का भी, श्रीदेवी का हश्र कर दिया जाएगा, दिशा सालियान का भी, दिव्या भारती का हश्र कर दिया जाएगा, दिशा सालियान का भी। हम जैसे लोगों को आप मूर्ख समझें, हमें कबूल है। हम जैसे लोगों को आप ये समझें कि आप निहायत ही बेवकूफाना कैंपेन कर रहे हैं, हमें कबूल है। बस मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि माननीय इस देश के न्यायाधीश, जिस प्रकार से आपने कोलकाता की बेटी पर सुओ मोटो लिया है, एक सुओ मोटो ले लीजिए, एक बार कह दीजिए सीबीआई को कि जरा सुशांत के मामले में क्या स्टेटस है भाई, जरा बताइए। तो निखिल कामत से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूं, उनका प्रशंसक हूं, मैं उन्हें फलता फूलता देखना चाहता हूं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि निखिल की वो हालत ना हो जो उस शख्स की हुई 13 जून की रात। मेरी शंका है, मेरा डर है, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि एक देश के युवा उद्यमी जो देश के लिए एसेट है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं निखिल से, बिल गेट्स के साथ क्या कर रहे हैं वो, हेल्थ केयर के बारे में उनकी क्या समझ है, ये जो पैंडेमिक हुआ उसके बारे में उनकी क्या समझ है, क्या उनको मालूम है अभी जो कांग्रेसनल हियरिंग हो रही है अमेरिका में, एंथनी फॉची के बारे में उनकी क्या राय है, इको हेल्थ अलायंस के बारे में उनकी क्या राय है, वुहान और इको हेल्थ अलायंस के रिश्ते के बारे में क्या राय है, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में वो क्या जानते हैं, बायो वेपन के बारे में उनकी कितनी समझ है, ओबामा ने क्यों इस तरह के गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को अपने देश में अनुमति नहीं दी, इसके बारे में उनकी क्या जानकारी है। मुझे मालूम है इन सब बारे में उनको जानकारी नहीं होगी। निखिल को अगर जानकारी हासिल करनी है तो वो जानकारी हासिल करे UHO.org.in से, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, सारी जानकारी हो जाएगी, उनका शायद दिमाग खुल जाएगा, आंखें खुल जाएंगी कि अरे बाप रे ये मैं क्या कर रहा हूं। और एक दिन आएगा, हमें यकीन है कि वो शायद इस बात को मानेंगे, क्योंकि मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि निखिल खुद से रिया को अप्रोच नहीं किया है, रिया को प्लांट किया गया है निखिल कामत के पास, क्योंकि एक पैसे वाला आसामी चाहिए उसे, पैसे वाला शख्स चाहिए उसे नई जिंदगी शुरू करने के लिए। और फिर निखिल के सामने एक झूठ का माहौल बना करके रखा गया, एक्टिंग की तो मास्टर है। आपको क्या लगता है रिया चक्रवर्ती से मेरी जाति दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं, न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, सुखदेव और राजगुरु के देश को बचाने की कोशिश में लगा हूं, और आईने के तरह साफ पत्रकारिता कर रहा हूं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।